घर से निकल गए और अभी हम जा रहे हैं पहले डेविड को पिक करने। और आज का प्लान क्या है वहाँ जाके बता रहा हूँ पूरा। मतलब तीन बाइक है और आदमी कितना है? छः। तीन बाइक आदमी छः। रेडी है ना सब लोग? आओ तो जोश। सामान गिर गया देखा? और जब हम रास्ते के बीच में थोड़ा सा रुक गए थे क्योंकि अपना भाई का स्कूटी पंचर हो गया था। भाई इधर है, वो बना रहा था, मैं आगे में रुक गया था कि मैं रील शूट कर रहा था। डबल मारा फिर भी नहीं हुआ। डबल मारा फिर भी नहीं हुआ, इतना बड़ा छेदा है। वो बड़ा छेदा हो गया क्या? गाजर घुसा ना क्या? घुसा वो पुराना वाला जो था ना। हाँ। जो बना के लेके आया। लाइफ में कोई समय नहीं होता है एंजॉय करने का, बल्कि समय खुद निकालना पड़ता है। लास्ट वीडियो था एपिसोड 1 एंड दिस वन इज एपिसोड 2, सो इट इज व्हाट इट इज। तो हां जी, हम यहां पे आके रुक गए। मैं डिवाइडर है जो कि यहां से जाता है सोरा, यहां से जाता है डाउकी। आज हम इस तरफ जाएंगे। टेम्पो ट्रैक है वो इस तरफ जाता है। मतलब गूगल मैप देख के हम जा रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं जा रहे, पता नहीं ना रास्ता। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहाँ पे, तो जाते हैं उसका देखते हैं। क्योंकि गोप्रो अभी खोल दिया, बारिश देने शुरू कर दिया। जैसे आगे बारिश थोड़ा कमती मिले फिर से गोप्रो लग जाए, फिर से आपको ये वाला एंगल देखने मिल जाएगा गोप्रो वाला। अभी आप ये एंगल से थोड़ा काम चलाना पड़ेगा आपको, तो बाकी काम मजबूत है। बारिश ने हेलमेट से गोप्रो तो उतार दिया, बट हमारा खुशी नहीं। यहाँ पे आगे थोड़ा सा रुक गए क्योंकि आपको ये चेक कराना था थोड़ा सा, ये जो फॉल हो रहा है ना ये वाला। ओ भाई साहब, बढ़िया लग रहा है यार देख के पूरा। देखो फॉग, देखो यार फॉग चेक करो आप लोग। इस बोला था ना, चंद मिनटों में आदमी का फीलिंग बदल जाता है। यहाँ तो भाई नज़ारा बदल गया। वहाँ पे एक फॉल हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है ये? वो टी शर्ट हम ब्लर कर देगा। वहाँ पे कुछ फॉल्स हो रहे हैं और यहाँ पे भी वो सूरज के कुछ फॉल्स हो रहा था वहाँ पे। What is this? This is heaven. This is heaven. और ये मामा, कुछ बोलना चाहते हो आप? ठंडा पूरा मामा ही लग रहा है देख किस को तो। यहाँ ऊपर से भी पानी, सब जगह से पानी ही पानी भाई। और ना बाइक सेक्सी as always, रात में बाइक चला के मजा आएगी। फोगड़े लगाए हुआ है ना भाई, बाइक तो मजा आ जाएगा चला के पूरा एकदम। और हो गया धूप जा रहा है, धूप आ रहा है। ओ यहाँ से जो फॉग है ना पूरा ऊपर जा रहा है ना ऐसा करके एकदम, ठीक ना, पूरा पूरा दिखता है बे। थोड़ा हल्का हल्का धूप दे रहा है, इसे मैंने गोप्रो फिर से लगा लिया। अभी ये जो बारिश है ना, इसको बारिश नहीं बोल सकते। वो जो लाइक फॉग का जो मिस्ट थोड़ा थोड़ा जो निकलता है ना, वो उसका जो क्या बोलते पानी, अब नहीं रे हमारा बंगाली से बोलते हैं उसको क्वासा बोलते हैं हम।
मतलब वो हो रहा है ना, मतलब वो आ रहे तो कैमरा का लेंस में, इसलिए कैमरा का लेंस बार बार मेरा ब्लर हो जाएगा शायद, उसको आप इग्नोर कर लेना और बाकी आप व्यू चेक करते रहिए टाइम टाइम पे, क्योंकि हम टाइम टाइम पे आपको ये वाला एंगल भी देंगे, सब एंगल देंगे आपको, सब फ्रंट वाला एंगल अभी लगाया नहीं है क्योंकि अभी ये वाला एंगल थोड़ा कुछ बोलना है मेरे को, आय 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 ये वाला एंगल से कुछ कुछ बोलना है, वो क्या बोलना है मैं आगे जाके बोलूँगा। सब लोग आ रहे हैं पीछे से, हाँ चलो आ रहे हैं सब लोग, अरे वाटर क्रॉसिंग, आय हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, अपने को यही मांगता है लाइफ में फुल थ्रिल। अभी तक कितना किलोमीटर अपने राइड कर लिया, 93 किलोमीटर पूरा राइड कर लिया। ओ भाई साहब ये धूप आ गया रे, ए धूप आ गया, अभी मजा आएगा ना शूट करने के लिए, अभी मतलब पूरा एकदम जब धूप आता है ना पूरा मजा आता है शूट करने के लिए। ओ भाई साहब क्या ही बोलेगा यार, ऐसा व्यू, ये व्यू चेक करें यार आप, बोला था ना यहाँ में आदमी का चंद मिनट में फीलिंग बदल जाता है, ये तो मौसम है भाई, कभी भी बदल सकते हैं, रुतबा बदल दिया रुतबा, इसलिए मैंने ये बाइक लिया क्योंकि अपने को राइड जाना है राइड, इसलिए ये बाइक लिया था मैंने, और अभी वो अपना ड्रीम को फुलफिल कर रहा हूँ, और ये बाइक को भी राइड जाने के लिए पूरा इसमें बना रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ बना रहा हूँ, अभी मेरे को इतना नहीं बाइक में अभी नहीं डालना है, अभी मेरे को डालना है राइडिंग गियर्स में, जो कि वो बहुत ज़रूरत है, मतलब नी गार्ड लेना है, उसका राइडिंग जैकेट लेना है एक, बहुत सारा प्लान्स है, और जूता पूरा भीग गया है अपना जूता, एक राइडिंग बूट भी लेने का अपन सोच रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। चलो अपने को ना थोड़ा यही चाहिए था क्योंकि अपने को गोप्रो लगाना था ना ये फ्रंट वाला व्यू देने के लिए और कुछ बोलने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा धूप आ जाए या तो बारिश थोड़ा कम हो जाए हम कैमरा लगा देंगे, और अभी लगा दिया कैमरा, अभी मज़ा आ रहा है भाई, जैसा लास्ट टाइम 15 तारीख को आया था ना फॉग मिल रहा था, सेम वैसा ही फॉग मिल रहा है। सामान गिर गया था फिर रास्ता में, जाते रहे आ रहे। तो हाँ जी अभी यहाँ से हम जाएंगे बैम्बू ट्रैक, जो कि यहाँ पे लिखा है इंडियन रेलवे वेलकम टू टोमलिन रॉन्गकेन विलेज 15 किलोमीटर माउरिंगटन ट्रैकिंग डेस्टिनेशन, जो कि यहाँ से जाता है, और अपने गोप्रो को यहाँ लगा दिया, तो फ्रंट वाला एंगल भी चाहिए ना शूट करने के लिए, अभी चलो में हर एक जगह में ना आपको वीडियो बनाना फोटो बनाने का मन करेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नज़ारा देखने मिलेगा आप लोगों को, ये नज़ारे चेक करें, और यहाँ में ना भाई लोग हैं और ये नज़ारे चेक करें भाई साहब क्या ही बोले, मतलब जोर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि वाटरफॉल का आवाज़ बहुत ज़्यादा है ना, चाहे फिर आवाज़ नहीं आएगा, हाथ में गोप्रो है शूट नहीं करेगा क्योंकि चार्ज खत्म हो गया, तो चार्ज भी लगाना है, पावर बैंक निकलाएगा अभी हम, और पूरा लाइनअप से लगाया है बाइक को, बस सर का वाइक प्रॉब्लम दे रहा है इसलिए आगे रखा है, और लाइनअप से अपना बाइक है, और अपना बाइक में क्या ही बोल रहे हैं, ऐसा देखने में ना छोटा बीस्ट ऐसा लगता है देखने में, मजा आ गया यार, मजा आ गया, मजा आ गया, और एक मजा से रील भी शूट कर रहा है मेरे को यहाँ पे। बोला था ना लाइफ में कोई समय नहीं होता एंजॉय करने का, बल्कि समय खुद निकालना पड़ता है। सजना जी मैनु छड़ के नी जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं, जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़े लानी आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझाए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही। सब कुछ अगर मैं ऐसा ही दिखा दूँ तो मज़ा नहीं आएगा, ट्रैक का आस्केप भी दिखाना ज़रूरी है। तो हाँ जी आप अपना डेस्टिनेशन पहुँच गए, और यहाँ पे आके भूख लग गया था, यहाँ में एक छोटा सा स्टॉल है
यहाँ पे खाएंगे क्योंकि मैगी बना रहे हैं। वो खाते हैं उसके बाद ट्रैक शुरू करेंगे, फिर नीचे जाना पड़ेगा। सब बाइक में सामान वाला लोड करके आ गया। क्या मैगी बनाया गया? कौन ओ कौन, जगह का नाम क्या है? क्या वाखेन? ओ जगह का नाम मालूम नहीं था, मालूम हो गया वाखेन बोलते हैं जगह को। तो टिकट कितना करके था? पार्किंग कितना बोला? पर बाइक 30 रुपीज़। और कौन ये हेलमेट का कितना? हाँ हेलमेट नहीं, ओह थैंक यू माँ। हम लोग हेलमेट सब यहाँ पे, हम लोग लाइन से एक कॉन्ग अभी बिक्री करेगा ये हेलमेट सबको। मेरे को मालूम है कौन का कमाई हो जाएगा जिससे हेलमेट रखने दिया हम लोग। तो पहले खाते में ही हो क्या समझते आपको? जी हम लोग खावा लिया, मैगी वैगी थपरा खा लिया। अभी यहाँ से पूरा तगड़ा ऑफ रोडिंग है और यहाँ से हमें ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा नीचे तक। क्योंकि यहाँ पे निकू रेडी जाने के लिए। तेरा ही फर्स्ट टाइम है ना यहाँ पे? फर्स्ट टाइम मेरा ही फर्स्ट टाइम। इसका ही प्लान था कि यहाँ आने का, हम लोग का प्लान था दूसरा जगह जाने का। ये बोला बैम्बू ट्रैक जाना है, बैम्बू ट्रैक जाना है। सबका प्लान बन गया बैम्बू ट्रैक जाना है। रास्ता कुछ इस तरीके का है और सब लोग रेडी है जाने के लिए। डेविड हाउ इज द जोस? हाय सर, हाउ इज द जोस? हाय। आपका तो ज्यादा हाई होना चाहते हो ऐसे भी घटियान से। आई एम ऑलवेज हाई मैन। या मैन रविंद्र हाउ इज द जोस? हाय। डाय हाउ इज द जोस? या मैन जय श्री राम। चलो 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 चलो, मुश्किल वक्त कमांडो सब। आप लोगों का मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैं सिर्फ मेघालय क्यों घूमने आता हूँ। मेरे को मेघालय पूरा घूमना है, उसके बाद बाहर जाना है। बार बार यही जगह में आता हूँ घूमने के लिए क्योंकि नया नया डेस्टिनेशन जाना है मेरे को। ज़्यादा मजा आता है नया नया डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि बहुत पहले जब बाइक वाइक नहीं था तब गए थे घूमने के लिए, लेकिन उस टाइम में वो वाला एक्सपीरियंस नहीं था। अभी खुद चला के जाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिल रहा है और अलग ही एक मज़ा आ रहा है उसमें। और व्यू कुछ इस तरीके का है पूरा, देखो चारों तरफ फॉग ही फॉग है एकदम, क्योंकि पूरा मज़ा आ रहा है। वो कहते हैं ना स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, दिस इज द रीज़न इट इज़ बीन कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। बाकी काम मजबूत है भाई। तो यहाँ पे सब लिखा है, अब उस स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लेना। एडल्ट का 100, चिल्ड्रन का 50, स्कूल यूनिफॉर्म में 30 रुपये। आपका स्कूल यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया? अरे भाई फर्स्ट टाइम देखा यार। जीपे नहीं, बहुत जगह गया जीपे मिलता नहीं, बहुत मुश्किल से मिला यहाँ पे जीपे देखने के लिए। जीपे हाँ इतना घुमा है, क्यूआर कोड कहीं मिलता नहीं है, सब लोग कैश मांगते हैं। यहाँ पे जीपे हम देखा फर्स्ट टाइम शॉप बाइक। तो हाँ जी नीचे से ऊपर आ रहे हैं ट्रैक करके, बहुत लोग पूरा थकान, पूरा भैया लोग तो थक गए। ट्रैकिंग कैसा लगा करके? कितना घंटा लगा? लेकिन नीचे जैसे ऊपर वो बहुत थकान, नीचे जाने में आराम है। आने के लिए आप लोग कहाँ से आए? असम। चलो 3.5 घंटा लगा, 3.5 आवर लगा उन लोग को उधर से इधर तक आने के लिए, जाने आने में कोई पैदल पैदल। ऑब्वियसली मज़ा तो आएगा लेकिन उठने में जो फटेगा ना, क्योंकि मुझे अभी भी याद है वेस्ट हाउडोंग जब हम गए थे उस टाइम भी ट्रैक करना पता रहा, इतना ट्रैक नहीं, वो जो सीढ़ी है ना चढ़ने के लिए वो उस टाइम मेरा फटा था। अभी सेकंड ये, क्योंकि मैं अभी तक इतना ट्रैकिंग किया नहीं है, ये अब तक का मेरा शायद हाईएस्ट होगा ट्रैकिंग 3.5 घंटा का। क्योंकि अभी टाइम हो गया है 2:19, अगर 3:30 बोला मतलब कम से कम पकड़ लो 5:30 बज जाएगा, 8:00 शाम इधर ही हो जाएगा हमारा। आपको यह वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करके जाना पड़ता है, मतलब वहां से जाना पड़ेगा आपको ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि यहां से ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा ऊपर से, यहां से भी मतलब ये ब्रिज से क्रॉस करना पड़ेगा। और देखिए वाटरफॉल पूरा है, नॉइस आएगा इसे मैं माइक लगा लिया। अभी जाते हैं ट्रैकिंग करते हैं, उसके बाद आपको नज़ारा चेक कराता हूं। चलो
जो हम लोग ट्रैक करके जा रहे हैं ना वो यहाँ से जा रहे हैं, मतलब आए यहाँ से और जा यहाँ से रहे, और नया ट्रैकिंग है, नया ट्रैकिंग का रास्ता यहाँ से बन रहा है, मतलब लोग यहाँ से भी ट्रैक करके जा सकते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। हम लोग जा रहे हैं पुरना वाला, ये शायद नया बन रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन ये जो पुरना वाला हो या नया वाला जो भी हो मजा भाई दोनों में आने वाला इतना पक्का है, क्योंकि वो भी देखने में डेडली लग रहा है और ये वाला भी देखने में बहुत डेडली लग रहा है भाई साहब। वाटरफॉल जितना आगे हम जा रहे हैं उतना आगे डेस्टिनेशन पूरा चेंज होते जा रहा है। देखो यहाँ से पूरा एकदम गुफा टाइप है, ये थोड़ा सा छोटा सा है बट हम लंबा है ना, इसलिए हमें ऐसे झुक झुक के आना पड़ेगा। आय हाय 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 हाय, माथा में ना लग जाए टैंग करके, मैंने मालूम चला कि बेम्बू ट्रैक पे आया था, माथा में एक बेम्बू लेके चला गया। गिरा भाई, स्लिप तो बहुत है क्योंकि बारिश का सीजन है ना, और ट्रैकिंग आना है ना बारिश के सीजन में आने से और मज़ा भी ज़्यादा आता है, स्लिपरी है पर ट्रैकिंग का जो फील होता है ना, थ्रिल होता है वो पूरा मिलता है। जो आदमी बोला था ना नहीं आएगा वो वहां पे बैठने वाला था, वो आदमी देखो मेरे से भी पहले वहां पहुंच गया, रुमाल घुमा रहा है एकदम, चाल दे रहे हैं हम लोग को चाल। सर अब तो नहीं आने वाला था, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस है ना, तो खुद क्यों लेंगे, सबको देंगे भाई। वो देखो वो आदमी को, नहीं आने वाला आदमी देखो कैसा ट्रैक कर रहा है, एकदम सबसे ऊपर तो वही जा रहा है भाई, नहीं आने वाला आदमी नहीं आने वाला आदमी सबसे ऊपर पहुंच गया, और हम लोग आने वाला आदमी सबसे पीछे। जी टॉप में आना था, टॉप में आ गया, अभी वापस रिटर्न, स्टार्ट किया था ट्रैक को 2 बजे को और अभी टाइम हो रहा है कुछ 4:33, मतलब 2.5 घंटे का ट्रैक, उन लोगों ने बोला 3 घंटा क्यों रुक रुक के गया होगा और हम लोग को लगा 2 घंटा आधा, मतलब आने में 2 घंटा, मतलब उन लोगों को आने जाने में लगा 3.5 घंटा लगा, हम लोग को आने जाने में आने में 2.5 घंटा, अभी जाने में पता नहीं कितना लगेगा, अभी तो स्पीड जाएगा मतलब, तो अभी ऐसे निकल जाते हैं वापस, उसके बाद आपको समझते कि भूख भी लग गया और पेट गुड़गुड़ मार रहा है, ये अंदर कुछ गया नहीं है और ऊपर से सब लोग चला गया, बस मैं हूँ, निकू है और वो सूरज, बस तीन जन है, बाकी वो लोग सब चला गया, डेविड चला गया, सर चला गया, रविंद्र चला गया, अभी बस 3 जन है, जितना जो था ना आदमी लोग सब लोग फुट, कोई नहीं है, पूरा खाली है, क्योंकि 4:30 बज गया, अंधेरा हो जाए जाने के लिए क्योंकि दूर है भाई। तो हाँ जी ट्रैक करके आ गया एकदम पूरा फटी तो फटी, लेकिन नवाबी ना घटी, अभी क्या फटी वो तो बोलेंगे नहीं हम, और अभी टाइम कितना हो गया, टाइम इज नाउ 6:14, अभी घर के लिए रवाना होना है, खाना है जो कि रास्ते में खाएंगे सब लोग यहाँ पे द बॉयज। सर का हालत लेकिन पतला था पूरा आज लेकिन बंदा अभी भी सीधा खड़ा है, लेकिन बाइक वो नहीं चलाएगा, बाइक चलाएगा ये उसका, और हम तो खुद का बाइक हम ही चलाएगा, फॉगलाइट वगैरह अभी मजा आएगा, फॉगलाइट का तुम एग्जिस्ट नहीं करता इधर। तो हाँ जी हम बर्नी पहुँच गए फाइनली, और अपना बाइक कुछ इस तरीके का है अभी, और इसका अगर मैं 4 इंडिकेटर जला दूँ ना अभी तो, चलो 4 इंडिकेटर जला दिया, आगे से तो भाई पूरा लुक आ रहा है बाइक का, लेकिन 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 इस तरफ से भी बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। जैसे मैं इस तरफ आता हूँ बस एक इंडिकेटर है, दूसरा इंडिकेटर ख़त्म, राइड मज़ा आया एकदम। अभी ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करने का, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने का, एज ऑलवेज टिल देन कीप लर्निंग कीप हसलिंग, बाय 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 बाय। कुछ डेंजर है, रुकना बाल गाड़ी बाहर में जाए, डेविड क्या कर रहा है ब्रो या।